हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के ऊपर। जैसा कि हमने बताया था प्राइवेट मेंबर जो हमारा क्लास में जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करने का एक तरीका क्या है, फ्रेंड फंक्शन भी है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे क्लास का जो भी प्राइवेट मेंबर होता है उसको हम कैसे फ्रेंड फंक्शन के जरिए एक्सेस करेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन जैसा रहता है वैसा ही रख लीजिएगा, समझ के रख लीजिएगा। तो यहाँ डेफिनेशन का क्या बोलता है, डेफिनेशन का बोलता है फ्रेंड फंक्शन इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। क्या ये क्लास का मेंबर नहीं होता है? फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच हैव एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। तो ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन के बारे में बोला गया है। फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, ये नॉन मेंबर फंक्शन है। मतलब ये कोई क्लास का जो मेंबर होता है, जैसे हम क्लास नेम लिखते हैं और उसका जो मेंबर देते हैं, ये क्लास का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी क्या करता है, क्लास का जो प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करता है। ओके, तो पहला क्लियर हुआ, फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट इन द स्कोप। ओके गाइस, तो डिफिनेशन क्लियर हुआ, फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच हैव एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट भी चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड फंक्शन के बारे में, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास। क्योंकि ये क्लास का मेंबर ही नहीं है तो क्लास के स्कोप में कैसे रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द स्कोप इन द क्लास टू द क्लास टू विच हैव एक्टिविटी क्लियर एज अ फ्रेंड। जैसे यहाँ पे हम इसको सिंटैक्स जानेंगे तब ये क्लियर हुआ, इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ अ क्लास टू द क्लास टू विच इट हैज़ टू बी डिक्लेयर फ्रेंड सो इट कांट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जैसे यहाँ पे एक क्लास हम बनाते होंगे तो क्लास में यहाँ पे बहुत सारा हमारा मेंबर रहता है, तो उस मेंबर को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के कॉल करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका मेंबर ही नहीं है, फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, क्लास का मेंबर ही नहीं है, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है, इट कैन कॉल लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन को हम जैसे कॉल करते हैं, इस फंक्शन को भी हम ऐसे ही कॉल करते हैं। नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पे आर्गुमेंट जो देना रहता है उसको देते हैं। ओके, तो इसको हम नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। वैसा ही कोई टॉप चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल सा ही फंक्शन है, बस इसके आगे हम कीवर्ड लगाएंगे फ्रेंड। जब उसका सिंटैक्स जानेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, तभी बस थ्योरी थ्योरी समझ लीजिए। इसको हम नॉर्मल फंक्शन जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद क्या है, इट कांट द एक्सेस द मेंबर बाई नेम डायरेक्टली। ये हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, फ्रेंड फंक्शन जो मेरा होता है, कांट द एक्सेस मेंबर बाई नेम डायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे मान लेते हैं कोई मेंबर है मेरा, यहाँ है क्या कोई मेंबर, मान लेते हैं नेम नाइन का यहाँ पे कोई मेंबर है, तो इसको आप डायरेक्टली नेम लिख कर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको बताना पड़ेगा ना, इस क्लास का हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली उसके नाम से डायरेक्टली हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट लेकिन अगला कंडीशन क्या है, इट कैन यूज़ एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर विथ ईच मेंबर नेम। जैसे हम नॉर्मल में करते थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली नाम यहाँ पे नेम लिखकर नहीं कर सकते हैं, वही यहाँ पे इसके स्कोप में नहीं है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं करते हैं। यहाँ पे कॉलिंग था, यहाँ पे क्या है, एक्सेसिंग है, किसको, मेंबर का। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको जो मेंबर था उसको एक्सेस करने का बात हो रहा है, तो हम जब एक्सेस करेंगे तो हमको उसको ऑब्जेक्ट के जरिए करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉलिंग उसके ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मेंबर ही नहीं है, तो उसको स्कोप में है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम उसको डायरेक्टली कॉल करेंगे। जो भी करना होगा नॉर्मल फंक्शन के जैसे कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। इसका जब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा और सभी समझ लीजिए थ्योरी थ्योरी। ये हो गया। अगला क्या है, इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन। इसको आप पब्लिक में रखिए या फिर प्राइवेट सेक्शन में रखिए, इसका कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं होता है। तो इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन ऑफ क्लास विदाउट अफेक्टिंग द मीनिंग। कोई इफेक्ट में यहाँ पे नहीं लगेगा, आप उसको प्राइवेट में रखिए, पब्लिक में रखिए या प्रोटेक्टेड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या है, यूजली फ्रेंड फंक्शन टेक ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यूजली फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट में लेता है। फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट लेता है। जैसे आप फंक्शन में कॉल करते होंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करते होंगे तो यहाँ पे आर्गूमेंट प्रोवाइड करते होंगे ना, आर्गूमेंट जब प्रोवाइड करते होंगे तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। इसके आर्गूमेंट में हम क्या देते हैं, फ्रेंड फंक्शन के आर्गूमेंट में हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं इसके आर्गूमेंट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं जी यहाँ पे आप क्या कोई 2, 4, 3 ऐसे करके पास कर दें, तब गड़बड़ हो जाएगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, अब आते ये तो हो गया कुछ कुछ फ्रेंड फंक्शन के बारे में बातें। पहले हम जाने क्या इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन जानने के बाद देखें इसका हम कॉलिंग कैसे करते हैं। तो कॉलिंग करने के लिए हम नॉर्मल फंक्शन से करते हैं कॉलिंग। ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ क्या है, इट इज़ नॉट इन द स्कोप, क्लास के स्कोप में नहीं होता है,
to the class to which it has been declared a friend, so it can't be called using the object. इसको हम call using object से साथ इसको call नहीं करते हैं, इसको हम normal function के जैसे call करते हैं. उसके बाद इसके member को हम कैसे access करेंगे वो जाने, उसके बाद इसको public में रखिए या फिर private में कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद इसको ये क्या लेता है, object को लेता है एज ए रेफरेंस. ओके, उसके बाद आगे जान दें इसका एडवांटेज क्या है. तो इसका एडवांटेज यहाँ पर क्या है, द फ्रेंड फंक्शन अलाउ द प्रोग्रामर टू जनरेट मोर इफिशियंट कोड. ये क्या करता है, इफिशियंट कोड को हमारा इफिशियंट बनाता है, इसका ये एडवांटेज हुआ. उसके बाद अगला क्या है, इट अलाउ द शेयरिंग ऑफ प्राइवेट क्लास इन्फॉर्मेशन बाई नॉन मेम्बर फंक्शन. क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन मेरा नॉन मेम्बर फंक्शन है. नॉन मेम्बर फंक्शन है तो क्या करता है, ये अलाउ कर रहा है जो हमारा नॉन मेम्बर फंक्शन भी प्राइवेट मेम्बर को एक्सेस कर सकता है. तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया. उसके बाद क्या है, इट एक्सेस द नॉन पब्लिक मेम्बर ऑफ ए क्लास इजिली. इजिली क्या करता है, ये जो भी हमारा प्राइवेट नॉन पब्लिक आने का मतलब प्राइवेट, प्राइवेट जो भी मेम्बर है उसको इजिली एक्सेस कर लेता है. इट इज़ वाइडली यूज इन केस वेन. इसका ज़्यादातर यूज किस में किया जाता है, वेन टू और मोर क्लासेस कंटेन द इट इज मेम्बर रिलेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो यहाँ पे ये इसका ज़्यादा यूज कहाँ होता है, इसका ज़्यादा मेरा यूज यहाँ पे होता है, ये देखिएगा. तो इसका यूज यहाँ पे कहाँ किया जाता है, इसका ज़्यादातर यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जब दो या दो से ज़्यादा क्लास कमरा क्या करेगा, कंटेंट करेगा इंटर रिलेटेड मेम्बर रिलेटिव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. मतलब एक पार्ट यहाँ पे रहेगा, दूसरा पार्ट दूसरे क्लास में रहेगा, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज होता है. दोनों क्लास को हम क्या करेंगे, दोनों क्लास का एक फंक्शन क्या करेंगे, फ्रेंड बना देंगे दोनों क्लास का, उसका दोनों में क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा. इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. बस इतना जान लीजिए, इसका ज़्यादातर यूज यहाँ पे करेंगे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्लास मेरा है, दो या दो से ज़्यादा क्लास है मेरा, और क्या कर रहा है, एक पार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अगला इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, अगला इन्फॉर्मेशन. तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्या करेंगे, तीनों क्लास का क्या करेंगे, फ्रेंड बना देंगे. तो क्या करेगा, तीनों को एक्सेस कर लेगा, तीनों को एक्सेस कर लेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज होता है. आगे क्या है, इट अलाउ एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट इज नॉट यूज्ड बाय द क्लास कॉमनली. कॉमनली हमारा क्लास में क्या होता है, कॉमनली क्लास में ये बोला जाता है जो इसका जो मे बी मेम्बर रहेगा सिर्फ वो इसका यूज़ कर पाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या करें, एक एडिशनली हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो हमारा कॉमनली क्लास नहीं प्रोवाइड करता है. क्लास में मेरा क्या होता है, सिर्फ इसका जो भी मेंबर रहेगा वही इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है. लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी हमको ये प्रोवाइड किया है जो कि इसका नॉन मेंबर फंक्शन जो रहेगा वो भी इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएगा. तो ये सब रहा इसका क्या, ये सब रहा इसका डेफिनेशन, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट, और ये एडवांटेज रहा. कभी कभी एग्जाम में एडवांटेज भी पूछ देता है, इसलिए यहाँ पे एडवांटेज भी हमने बता दिया है. अब चलते हैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं. तो इसका सिंटैक्स देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी तक हमने क्या क्या जाना, फ्रेंड फंक्शन के बारे में अभी तक इतना ही जाना है. ये क्या होता है, ये हमारे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है. ठीक है, अगर सिंपल भाषा में ये बोला फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, तो फ्रेंड फंक्शन मेरा प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करता है. किसके प्राइवेट मेंबर को, क्लास का जो भी प्राइवेट मेंबर होता है उसको एक्सेस करता है. और फ्रेंड फंक्शन मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन मेरा एक नॉन मेंबर फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है. और क्या करता है ये, इसको कॉल करने के लिए कैसे कॉल करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करते हैं. ठीक है, इसके कॉलिंग के टाइम हम ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं एज ए आर्गूमेंट में. आर्गूमेंट में हम इसके ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं. और यहाँ पे जब कॉलिंग करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं उसको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करें, उसको नॉर्मली कॉल करेंगे, लेकिन आर्गूमेंट में क्या देंगे, आर्गूमेंट में हम ऑब्जेक्ट देंगे. ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. तो मेरा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो सिंटैक्स पे चलते हैं. सिंटैक्स का क्या है, सिंटैक्स जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, पहले रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट. क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को आर्गूमेंट में लेगा. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेंड. तो फ्रेंड मेरा क्या, ये इसका सिंटैक्स है. हाँ, इसका क्या है, ये सिंटैक्स है. ये यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं या फिर इसका जो भी डिफिनेशन देना हो वो दे सकते हैं. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक कीवर्ड है. ये मेरा क्या है, एक कीवर्ड है. रिटर्न टाइप यहाँ पे जो भी हमको फंक्शन रिटर्न करके देगा वो बताएंगे. फंक्शन रिटर्न करेगा, ये मेरा क्या है, फंक्शन का नाम है. फंक्शन नेम हो गया. अब यहाँ पे लिखा गया जो मेरे में आता है, फंक्शन टेक्स ऑब्जेक्ट एज अ आर्गूमेंट. ऑब्जेक्ट है आर्गूमेंट. उसके बाद ऐसे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे. उसके बाद ये तो हो गया पहला तरीका. अब एक जो होता है, ये तो हो गया जब उसका हम डायरेक्टली करेंगे वो, और एक और तरीका होता है जब हम क्या करें, दूसरे क्लास का कैसे हम इसको फ्रेंड बनाएंगे वो भी, लेकिन वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे जब वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब. तो ये क्या होगा, ये इसका लिखने का सिंटैक्स हो गया.
ये इसका क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन को लिखने का तरीका। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो क्लास में हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। लेकिन पहले सिंटैक्स देख लीजिएगा। सिंटैक्स में हम क्या लगाए हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड लगाए हैं। फ्रेंड एक क्या है, कीवर्ड है जो कि बताएगा जहाँ इस क्लास का ये फ्रेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन बता देगा। उसके बाद हमको जो भी रिटर्न, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं वैसे ही लिखना है। बाद यहाँ पे खाली चेंज कहाँ करना है, बस हमको एक फ्रेंड फंक्शन लगाना है, सॉरी फ्रेंड फंक्शन नहीं, फ्रेंड कीवर्ड लगाना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट में देना है, बस इतना ही करना है। और ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके गाइस, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, बस बेसिक चीज़ करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। क्लास में हम क्या करेंगे, दो या एक प्राइवेट वैल्यू रखेंगे। प्राइवेट रखने के उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन के जरिए उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हैशटैग आईओ स्ट्रीम लगा लीजिएगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस भी लिख लीजिएगा, यूजिंग नेम स्पेस भी लिख दिया। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे। क्लास बनाते हैं क्या, क्लास बनाते हैं कुछ भी मान लेते हैं, फ्रेंड ही कर दें, क्लास फ्रेंड, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन कर दिए, उसके बाद यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट मेंबर रखना है तो प्राइवेट मेंबर यहाँ पे रखते हैं क्या, इंट ए। बस छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंट ए ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये क्या हो गया, ये प्राइवेट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्राइवेट नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जब प्राइवेट हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसको सेट करने के लिए, वैल्यू सेट करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं क्या, पब्लिक सेक्शन में, पब्लिक, पब्लिक सेक्शन में हम यहाँ पे एक सेट डाटा कर देते हैं, वॉइड सेट डाटा। सेट डाटा करके एक फंक्शन लेते हैं जिसमें एक इंटीजर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक इंटीजर प्रोवाइड करते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन ही दे देते हैं। आपको बताए थे दो मेथड, एक डेफिनेशन यहाँ पर भी दे सकते हैं, एक बाहर में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंट यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, और इंट एक्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ए में हम एक्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जो एक्स ये था इसको यहाँ पे हम इसमें सेट कर देते हैं। सेट कर दिए, इसमें सेट हो गया वैल्यू। जब वैल्यू इसमें सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन लिखते हैं जो इसको एक्सेस करेगा। तो वो फंक्शन हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन लिखेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिए। नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं आप क्या, एक लिख लेते हैं फंक्शन एफ आर आई, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुछ लेंगे नहीं, बस हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, इसका जो भी प्राइवेट वैल्यू है उसको रिटर्न करवाएंगे। तो उसके लिए हमको इसको कुछ इनपुट नहीं देना है, तो इनपुट नहीं देना है तो कुछ हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे कैसे, अब यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। हम बताए थे क्या, फ्रेंड फंक्शन मेरा ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। बस ऐसे अब मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन लिखना होता है कैसे लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न था, तो रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू हम इसे चाहते हैं रिटर्न करें। क्या चाहते हैं, एक इंटीजर वैल्यू हमको रिटर्न करके दें, क्योंकि यहाँ क्या है, ये मेरा प्राइवेट मेंबर तो है, प्राइवेट मेंबर के साथ साथ ये क्या है, मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम चाहते हैं एक इंटीजर हमको रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और यहाँ पे आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में क्या लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। आर्गुमेंट में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, एफ आई एंड फ्रेंड फंक्शन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद इसका डेफिनेशन भी यहीं पर प्रोवाइड कर दें या फिर बाहर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेफिनेशन हम बाहर में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होता है क्या, फ्रेंड, एक यहाँ पे फ्रेंड लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सिंटैक्स में क्या था, फ्रेंड लिखना है। उसके बाद रिटर्न टाइप देना है तो रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन दे दिया है, शॉर्टकट में एफ आर आई और फंक्शन लिख दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट, तो ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट हम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं। तो क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं क्या, क्लास का नाम क्या है मेरा, फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्लास का नाम फ्रेंड फंक्शन दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि इस क्लास का क्या हो गया, फ्रेंड बन गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे इतना ही देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखिएगा, बस इतना ही, जितना है देखिए, इतना देखिए, ये मेरा क्या है, जैसा कि फंक्शन रहता है वैसा ही है। तो ये मेरा फंक्शन है जो इस क्लास का क्या हो गया, फ्रेंड फंक्शन बन गया। क्यों, ऐसे यहाँ पे फ्रेंड लगा दिया ऐसे ही, ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन बन गया। तो फ्रेंड फंक्शन बन गया, तो इसको हम बंद करते हैं, आप बॉडी को बंद करते हैं। आप चलिए फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे नॉर्मल फंक्शन का लिखते हैं, तो जैसे नॉर्मल फंक्शन का लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो क्या है मेरा, इंट, अब हम क्लास के बाहर आ गया है, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाते हैं क्लास के बाहर आने के बाद, सेमीकोलन, एफ आर आई, फ्रेंड फंक्शन, और यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन, एफ आर आई एन टी, फ्रेंड, और यहाँ पे फंक्शन क्लास का जो नाम था वो वहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं टी, टी मान लेते हैं कोई, ठीक है, टी है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस, कर्ली ब्रैसेस के बाद हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, बस यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सी आउट,
सी आउट यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सेस कर देते हैं, क्या रिटर्न, रिटर्न क्या रिटर्न करना है, टी डॉट, टी डॉट किसको, ए को, टी डॉट ए को क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा, टी डॉट ऑब्जेक्ट का नाम और किसको एक्सेस कर रहे हैं, ए को, तो ए टी डॉट ए को एक्सेस कर लेगा और इसके बाद यहाँ पे इसका बॉडी बंद, बस सिंपल ही तो है, नॉर्मल फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख रहे थे, टी डॉट ए, जैसे जैसे पॉइंट में बताया था क्या हमको उसको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ, ये मेरा फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया तो यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन में, तो इंट मेन, मेन और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कुछ भी, कौन सा फंक्शन क्लास है मेरा, एफ आर आई एन डी फ्रेंड और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लेते हैं एफ वन, एफ वन मान लेते हैं फंक्शन, अब यहाँ पे एफ वन डॉट, अब सेट करना है पहले डाटा सेट करेंगे उसके बाद एक्सेस करेंगे, तो एफ वन डॉट सेट डाटा, सेट डाटा, सेट डाटा मान लेते हैं फाइव कर देते हैं, सेट डाटा फाइव उसमें सेट हो गया, ए में फाइव सेट हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट, सी आउट और यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल कर देते हैं किसको, फ्रेंड फंक्शन को, एफ आर आई, एफ आर आई फ्रेंड और यहाँ पे फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर दिया और इसके आर्गुमेंट में क्या देंगे, आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट देंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट, एफ वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एफ वन प्रोवाइड कर देंगे आर्गुमेंट में और ये मेरा क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा, जो भी रहेगा वो प्रिंट कर देगा, रिटर्न जीरो कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और सुन लीजिएगा हमने क्या किया है, हम चाहते हैं क्या, एक मेरा क्लास का मान लेते हैं, कोई क्लास है मेरा, ये क्लास है मेरा फ्रेंड, फ्रेंड फंक्शन, ये मेरा क्या है, फ्रेंड फंक्शन का क्लास है, इसमें एक प्राइवेट मेंबर है ए, प्राइवेट मेंबर है ए, तो ए में हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट मेंबर ए है उसको हम चाहते हैं क्या, पहले डाटा सेट कर दे, तो सेट करने के लिए ये वाला आपको क्लियर होना चाहिए, हमने बहुत बड़ा देख लिया है, तो बहुत बड़ा देख लिया है तो ये आपको होना चाहिए क्लियर, तो ए में हम सेट कर दिए हैं, तो सेट क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं पाँच, तो इसमें आ गया वैल्यू फाइव, जब फाइव आ गया तो हम चाहते हैं इस फाइव को हम एक्सेस करें, लेकिन एक्सेस हम अपने फ्रेंड फंक्शन के जरिए करें, तो फ्रेंड फंक्शन के जब हम जरिए एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सिंटैक्स बताएं फ्रेंड फंक्शन लिखने का, तो जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, बाद बाकी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे फ्रेंड लगा देंगे ताकि पता चले ये जो फंक्शन है इस क्लास का फ्रेंड बन गया, तो इस क्लास का जब फ्रेंड बन गया तो वो उसके प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है, तो कैसे करेगा, बस यहाँ पे सिंटैक्स याद रखिए, इसके आर्गुमेंट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी आर्गुमेंट में जो ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट में कैसे हम एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट लेगा किसको, ऑब्जेक्ट को, जब आर्गुमेंट लेगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्लास नेम लिखना पड़ेगा ना, क्लास नेम लिख लिया और यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम लिख लिया टी, जैसे आप लिखते होंगे क्या, जैसे फ्रेंड तो नॉर्मल फंक्शन में कैसे लिखते होंगे, फंक्शन का नाम इंट ए ऐसे करके लिखते होंगे ना, तो वहीं पे क्या करें, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, डाटा टाइप, तो ये भी क्लास नेम भी क्या होता है, क्लास नेम भी ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप ही होता है, तो ये भी एक डाटा टाइप ही है, डाटा टाइप के जरिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और टी डॉट है ये करके हम इसको एक्सेस कर ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जब ये रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न कर रहा है किसको, इंटीजर टाइप को रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर टाइप को यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सी आउट प्रिंट कर देगा, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसका प्रैक्टिकल वाला देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक ही क्लास का ना फ्रेंड बनाए हैं, उसमें हम दो दो क्लास का फ्रेंड बना के आपको दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको जो भी इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, अगला ही वीडियो होगा उसको आपको देखना होगा, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।